और मैं आज जो बात कर रही हूँ मैं ये बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया। गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? हमें सिर्फ ख्वाजा सरा का नाम दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कानून चलता है, इस्लामाबाद के हद तक इससे बाहर नहीं निकलता। इस्लामाबाद में कानून चलता है, यहीं पर चलता है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हमेशा हमारे बिल मंजूर होते हैं, हमारे बिल मंजूर होते हैं, बिल सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गया, वो वहीं तक रहते हैं, वहाँ से निकलते ही नहीं हैं। अभी हमारा कार्ड चौधरी इफ्तखार जस्टिस ने बनाने का ऑर्डर दिया था, तो अब जाके हमारे कार्ड बनना शुरू हैं। लेकिन वो ये वजह थी कि हमारे अपने ख्वाजा सरा थे जो कहते थे कि बाप का नाम लिखवाएं, कोई किसी कहते थे गुरु का नाम लिखवाएं। बाप का नाम इसलिए लिखवाएं कि हमें जायदाद से कुछ हिस्सा मिल जाए, लेकिन गुरु का नाम लिखवाने से ये बनता कि हमें हमेशा एक गुरु के पास रहना पड़ता और एक एक जुल्म बर्दाश्त करना। तो हुकूमत के अगर हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो मेरी तरफ से एक एडवाइस है हुकूमत को कि हमारी हुकूमत में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है औकाफ। औकाफ उस मिनिस्ट्री में ये है कि जो ये हमारे पाकिस्तान में जितने भी दरगाहें हैं उनमें जो दरगाहों में गेट खोलना, गेट दरगाह की सफाई करना, सब काम करना, एक दरगाह पे कम से कम 300-250 लोग होते हैं। तो अगर क्योंकि हम लोगों का बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, बुढ़ापे में हम क्या करें, ना भीख मांग सकते हैं, चार पाए पे लेटे होते हैं, चेले भी शिगिर्द होते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं हाँ एक पानी भी मांगो, तो वो कहते हैं ये क्या मुसीबत है हमारी। तो मैं चाहती हूँ हमें गवर्नमेंट की जॉब वो दी जाए और हमें हमारे एंड पे हमें रिटायरमेंट मिले, पेंशन मिले, हम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान समझा जाए। DIG, IG, SP, DSP इन लोगों के मिनिस्टरों के घर में बर्तन धोने वाले, गेट कीपर, माली, सफाई वाले सब सरकारी, वो हम भी काम कर सकते हैं, वो हमें दें हम भी कर सकते हैं। हमें इंसान समझा जाए, वो हमें इंसान नहीं समझते, वो हमें वो अपनी तोहीन समझते हैं। हमें अपने घर में काम करा, आए तुमने ख्वाजा सरा काम करते तुम्हारे घर में, सबसे बड़ी बात होती है तलीम, लेकिन आजकल तलीम वाले भी बेवकूफ़ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, वैसे कुछ नहीं किया। सब कहते हैं करता कोई नहीं, सब कहते हैं, बस एक खबर आ जाती मीडिया पे ख्वाजा सराओं के लिए ये हो रहा है, ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल बन रहा है। ख्वाजा कौन ख्वाजा सरा है जो 60 साल का ख्वाजा सराओं को स्कूल की ज़रूरत है? नहीं, उसको खाने की ज़रूरत है। कौन ख्वाजा सरा है जो 60 साल का हो गया और वो जाके जी स्कूलों में जाके पढ़े, हम स्कूल बना रहे हैं, हम ये करें, ये कुछ नहीं। इनको इज्जत दो, इंसान समझो, जानवर नहीं समझो।